अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आज सबका। मैं अफगानी अंडा बनाने लगी, इसमें थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूँगी। मुझे अफगानी अंडों के लिए चाहिए एक टमाटर मीडियम साइज़ का, तो मैं छोटा छोटा काट लिए। एक प्याज मीडियम साइज़ का छोटा छोटा काट लिए। दो अदद पटाट आलू जो मैंने मीडियम साइज के थे छोटे काट लिए। हरी मिर्चें चार लिए, धनिया लिया, चार अंडे लिए, कूटी हुई मिर्च, काला नमक और काली मिर्चें लिए। चले बनाते हैं अफगानी अंडा। अंडे में मैं 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। ये 3 टेबलस्पून है, मेरा ख्याल है इनफ है, इतना ज़्यादा नहीं डालना। मैं इसे गर्म होने दूंगी। जो आलू काटे हुए मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए आलू कितने फ्राई हो गए, 5 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे जो काटा है। इसको भी 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें साथ ही टमाटर भी डाल देंगे। इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और अफगानी ऑमलेट में सिर्फ काली मिर्च और नमक डलता है और कुछ नहीं डलता। लेकिन थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च मैं इसमें ट्विस्ट डालूंगी, कुटी हुई मिर्च डालूंगी ताकि थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल भी बन जाए।
हम ऐसे कर देंगे इसको और इसके ऊपर अंडे डालना शुरू करेंगे। इस पे भी थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेंगे। पांच मिनट के लिए रखते हैं, इसे ढक्कन देके 5 मिनट्स के लिए रखते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए देखते हैं अंडे हो गए कि नहीं, बस थोड़ा सा रहता है, 2 मिनट और रखेंगे। ये देखते हैं ये हो गया माशाल्लाह, इसको बंद कर देते हैं। चलें इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बना है।